हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एपिसोड ऑन आवर विजिट टू वैटिकन सिटी। वैटिकन सिटी इज स्मॉलेस्ट कंट्री ऑन प्लैनेट। इट इज सिटी स्टेट सराउंडेड बाय रोम एंड इज हेडक्वार्टर ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी। यह हमारा इंडियन कपल यूरोप टूर सीरीज का 17th एपिसोड है और 5th एपिसोड हमारा इटली विजिट का है। इसके पहले हम वेनिस, फ्लोरेंस और रोम को कवर कर चुके हैं। इस एपिसोड में हम दुनिया का सबसे बड़ा चर्च संत पीटर्स बसिलिका को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी फेमस है और यहाँ से क्रिश्चियनिटी का जो सारे प्रोसेस होते हैं वो चलते हैं। उसके बाद हम वैटिकन म्यूजियम को देखेंगे, जो भी कि दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजियम है। फिर सिस्टीन चैपल देखेंगे, इन सब जगह काफ़ी अच्छे कलेक्शंस और फुल ऑफ आर्किटेक्चर ये सब है। फिर हम और दूसरे इंपॉर्टेंट चर्चेस, कैथेड्रल्स और रोम के कुछ रियून्स जो हमारे लास्ट एपिसोड में मिस हो गए थे उसको कवर करेंगे। कैथोलिक क्रिश्चियन कम्युनिटी के हेड जिनको पोप कहते हैं वो भी यहीं रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, हम वैटिकन सिटी पहुंच गए हैं और सामने संत पीटर्स बेसिलिका है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। और आप देख सकते हैं कितना लंबा क्यू है इसके अंदर जाने के लिए। और कुछ फैक्ट्स वैटिकन सिटी के बारे में कि ये 120 एकड़ में बना हुआ है और यहाँ का पॉपुलेशन 1000 लोगों का है और पोप जो है वो यहाँ के रूलर है। वैटिकन सिटी के चारों तरफ बाउंड्री घिरा हुआ है। The economy of Vatican City is mainly on sale of postage stamps, fees to museums and sales of publication. हमने जो डे का स्टार्ट किया वो वैटिकन म्यूजियम से, तो वैटिकन म्यूजियम में जाने के लिए भी काफ़ी लंबा रस था, तो हमने गाइडेड टूर लिया जो कि 40 यूरो पर पर्सन था। तो इससे हम वैटिकन म्यूजियम, सिस्टीन चैपल, वैटिकन गार्डन और संत पीटर्स बेसिलिका में डायरेक्ट एंट्री कर सकते थे। तो ये अब हम वैटिकन म्यूजियम के अंदर हैं और आप ये देख सकते हैं कि जो स्टेयरकेस की स्पाइरल है ऊपर आने के लिए, और ये आप वैटिकन गार्डन को देख सकते हैं। ये वैटिकन म्यूजियम बहुत ही ग्रैंड म्यूजियम है और हमारे गाइड ने हमें काफ़ी अच्छे से जो यहाँ के गैलरीज और स्कल्पचर्स ये सब को समझाया, यहाँ की हिस्ट्री को समझाया। ये 16th सेंचुरी का म्यूजियम है और यहाँ पर टोटल 54 गैलरीज हैं और 70,000 कलेक्शंस हैं। यहाँ पर टोटल 650 लोग एक साथ काम करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये अभी हम वैटिकन गार्डन में हैं और ये स्फीयर के अंदर स्फीयर है। हियर यू कैन सी डिस्प्ले वर्क्स फ्रॉम इमेंस कलेक्शन अमेस्ड बाय कैथोलिक चर्च एंड पेप्सी थ्राउट सेंचुरी, इंक्लूडिंग रोमन स्कल्पचर्स, इंपॉर्टेंट मास्टरपीसेस ऑफ रेनेसा आर्ट। यहाँ पे आप जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन के फरोस और जो पुरानी जो रीन्स है वो उसको भी देख सकते हैं। दिस म्यूजियम इज विजिटेड बाय टोटल अराउंड 10 मिलियन विजिटर्स एनुअली एंड यू कैन सी अमेजिंग पेंटिंग्स, फ्रेस्कोस, स्कल्पचर्स, आर्ट कलेक्शन बाय नोटोरियस पर्सनालिटीज लाइक माइकलांजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, रफेल एंड मेनी मोर। यहाँ पे आप जो स्कल्पचर है वो ऑगस्टस का देख सकते हैं, हरकुलिस का देख सकते हैं, ये देख सकते हैं जो इजिप्शियन कलेक्शन है। और ये फ्रेस्कोस है, फ्रेस्कोस जो वॉल पेंटिंग्स है जो कपड़े से किया जाता है उसको फ्रेस्को कहा जाता है। तो काफ़ी खूबसूरत फ्रेस्कोस यहाँ पे आप देख सकते हैं और जो ये सारे फ्रेस्कोस है वो बहुत ही बड़े और फेमस स्कल्पचर या पर्सनालिटीज के द्वारा किया गया था। इस सेगमेंट को गैलरी ऑफ मैप्स कहा जाता है, जहाँ पे इटली के पुराने मैप्स को आप देख सकते हैं, इसके डिफरेंट रीजन के मैप्स को देख सकते हैं, इसकी इस हिस्ट्री को देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरी चारों तरफ ये फ्रेस्कोस है जो फेमस पर्सनालिटीज द्वारा बनाया हुआ है। और इसके बाद हमें सिस्टीन चैपल में जाना था, जो कि रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पे कोई वीडियो या कैमरा अलाउड नहीं है। तो हमारे गाइड ने हमें बाहर में ही समझा दिया कि हम अंदर में कुछ बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो फेमस जो फ्रेस्को है वो द लास्ट जजमेंट है, वो माइकलांजेलो द्वारा बनाया हुआ है, जिसमें रिप्लिका ऑफ बाइबल है, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है, रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट है। तो ये पेंटिंग आप देख सकते हैं, ये द लास्ट जजमेंट का है।
उसके बाद हम बाहर निकल गए और सेंट पीटर्स बसिलिका के अंदर गए। यहाँ पे आपको एंट्री पे ये स्कल्पचर दिखेगा, इसको पिएटा कहते हैं। सो दिस इज ए वर्क ऑफ रेनासा स्कल्पचर मेड बाय माइकलांजेलो व्हेन ही वाज ओनली 24 इयर्स ओल्ड। दिस स्कल्पचर रिसेंबल बॉडी ऑफ जीसस ऑन लैप ऑफ हिज मदर मैरी आफ्टर क्रूसिफिकेशन। दिस सेंट पीटर्स बसिलिका इज इरेक्टेड ओवर टॉम्ब ऑफ सेंट पीटर हु वाज वन ऑफ द अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट। इट इज ऑल्सो द बुरियल साइट ऑफ सेंट पीटर। इट इज लार्जेस्ट रिलीजियस बिल्डिंग एंड चर्च all across the world and is also holiest Catholic shrine. Here there is a free entry but has a huge queue. हमारे पास जो free entry वाला pass था इसलिए हम without कोई queue के अंदर आ गए। So it was built during 4th century and rebuilt during 16th century. जो काफ़ी बड़े चर्च होते हैं उनको बेसिलिका कहा जाता है। यहाँ के आप आर्ट और स्कल्पचर को देख सकते हैं कि कितना वो मेसमराइजिंग है, कितना खूबसूरत है, जो अलग अलग डिज़ाइन से बना हुआ है। और ये बहुत ही फेमस रेनासा पर्सनालिटी के द्वारा किया गया है। इसका जो डोम है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, जिसपे काफ़ी सारे ग्लासेस से बने हुए हैं जो दुनिया भर से लाए गए थे। जीसस क्राइस्ट के टोटल 12 अपोस्टल्स थे जिसमें से एक संत पीटर थे। तो संत पीटर को भी क्रूसीफाई किया गया था आफ्टर जीसस, जो उनको उल्टा क्रूसीफाई किया गया था। तो वही बरियल प्लेस पे ये जो चर्च है। दूसरे जो अपोस्टल लाइक संत पॉल, उनका भी जो बरियल प्लेस है वो रोम में ही है, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। और इसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ गए तो आप देख सकते हैं ये टॉप से कैसा व्यू है। तो जो इसका डोम है वो भी काफ़ी ग्रैंड है। और फिर ये पूरे रोम का और वेटिकन सिटी का व्यू आप टॉप से देख सकते हैं। तो टॉप पे आने का 10 यूरो फेयर है। और यहाँ पे दो क्लॉक है और बहुत सारे स्कल्पचर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे 6 बेल है और जो डोम है वो काफ़ी खूबसूरत है। उसके बाद फिर हम नीचे आ गए। आप देख सकते हैं ये जो चर्च इतना बड़ा है, इतना ग्रैंड है कि यहाँ पे 60,000 लोग एक साथ में आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग 2 घंटा टाइम बिताया, जो यहाँ पे काफ़ी सारे जो चर्च के सिटिंग स्पेस है वो भी बने हुए हैं। तो वहाँ पे भी हमने थोड़ी देर बैठ के कुछ टाइम स्पेंड किया। फिर ये देख सकते हैं ये सेंट पीटर स्क्वायर है। सो इट इज़ लार्जेस्ट प्लाजा लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ सेंट पीटर्स बेसिलिका। और ये चारों तरफ वेटिकन सिटी का बाउंड्री है। ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है आप देख सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा स्क्वायर है और इसको दुनिया का वन ऑफ द फेमस स्क्वायर भी कहा जाता है। और ये काफ़ी ब्रेथ टेकिंग है। इसके सेंटर में जो एंशेंट इजिप्शियन एबिलिस्क है, जो 1586 में इरेक्ट किया गया था, और यहाँ फाउंटेन भी है। तो आप सामने देख सकते हैं वो सेंट पीटर का स्टैच्यू है। और ये जो स्क्वायर है इट इज़ 320 मीटर लॉन्ग एंड 240 मीटर वाइड। यहाँ पे एक टाइम पे लगभग 3 लाख लोग आ सकते हैं। और इसके कॉलम के ऊपर भी लगभग स्टैचूज है सेंट्स के। तो टोटल 140 सेंट्स के आप स्टैचूज देख सकते हैं यहाँ पे। और एवरी संडे ऑफ लास्ट मंथ आप यहाँ पोप को देख सकते हैं, जो कि मास गैदरिंग को होल्ड करते हैं। और बहुत सारे लोग आते हैं पोप को देखने के लिए। फिर वहाँ से निकल कर हम फिर कैस्टल सैंट एंजेलो पहुँचे। सो इट इज़ अ टावरिंग सिलिंड्रिकल बिल्डिंग इन रोम नियर वेटिकन सिटी। इट इज़ ऑल्सो मॉसोलियम ऑफ रोमन एम्पायर हैड्रियन एंड बिकेम बुरियल प्लेस ऑफ एंटोइन एम्पायर्स। इट वॉज बिल्ट इन 1st century एंड कन्वर्टेड टू फोर्ट्रेस इन 5th century। यहाँ के टॉप से भी आप काफ़ी अच्छा व्यू देख सकते हैं। और इसके पीछे भी काफ़ी सारे फेमस स्टोरीज हैं जो यहाँ के गाइड आपको समझा सकते हैं। इसका एंट्री फी 14 यूरोज है। फिर यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम जो दूसरे अपने लोकेशन, जिसको बेसिलिका ऑफ सेंट पॉल आउटसाइड वॉल्स कहा जाता है, तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रोम्स 4 एंशियंट मेजर बेसिलिका। ये संत पॉल का बुरियल प्लेस है। संत पॉल भी क्राइस्ट के एक अपोस्टल थे, जैसे बताया मैंने कि क्राइस्ट के 12 अपोस्टल थे, तो उसमें से एक संत पीटर थे, फिर एक संत पॉल थे। तो संत पॉल का बुरियल प्लेस है। फिर आप ये देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना पिरामिड है, इसको पिरामिड ऑफ सेसियस कहते हैं। ये ऑरेलियस कॉलम है जो कि रोमन विक्ट्री का सिंबल है। फिर ये टेम्पल ऑफ हैड्रियन है। So this is end of our this episode.
and also end of our Indian Couple Europe Tour series. अगले एपिसोड से हम अपने स्कैंडिनेवियन कंट्री के विजिट का एपिसोड्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फिनलैंड और स्वीडन को कवर करेंगे। तो ये दोनों भी काफ़ी खूबसूरत कंट्रीज हैं जो कि आर्कटिक रीजन में स्थित हैं। यहाँ पे आर्कटिक सी है, और फिर हम स्वीडन से फिनलैंड तक का सी क्रूज को कवर करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो मौसम है, काफ़ी ठंडा मौसम है, काफ़ी अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, चारों तरफ आप सी को देखेंगे। स्वीडन इज़ ए लैंड ऑफ आर्किपेलागो, काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी जो वहाँ पे आइलैंड्स हैं, जो नोबल प्राइज़ है वो भी स्वीडन में होता है, स्टॉकहोम में होता है, तो वो सब जगह को हम देखेंगे। तो डू नॉट मिस टू वॉच दोस एपिसोड्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन। Thanks for watching this episode. Have a great time. Bye.